महाराष्ट्र के एक्स एमएलसी और कांग्रेस के कार्याध्यक्ष श्री मुजफ्फर हुसैन जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि दो शब्द हमारे गाइडेंस के लिए और मार्गदर्शन के लिए कहें। मुजफ्फर मीरा भयंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सालाने जलसे पर मंच पे उपस्थित मोहन गुरनानी जी, संतोष मंडेलाचार्य जी, उमर कपूर, उमेश भाई, हमारे बड़े अजीज दोस्त कैप्टन विनोद शर्मा जी, दीपक शाह जी, राजू मेहरा जी, रमेश अशार जी, सुरेश पटेल जी, अभिषेक बागरवाल जी, सतीश कुमार सिंह, जिनको यहाँ पे पारितोषित देकर के सम्मानित किया गया, वो राजेश बुआ जी और परिवार, रमेश आंचेकर जी, सूर्यकांत तेली जी, श्रीमती कनिका कौस्तुभ राणे जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ एसोसिएशन मीरा भयंदर से मैं समझता हूँ, जब से यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनी है, जब से मैं पैदा हुआ, तब से मेरा इनके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। इनकी हर इश्यूज और प्रॉब्लम्स के लिए जब जब मुझे इन्होंने पुकारा, मैंने हमेशा उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की है और जो कर सकने का क्षमता थी उसे हमने करने का प्रयास किया, चाहे वो एलबीटी का मसला रहा हो, चाहे वो आफ्राय का मसला रहा हो। हाल ही में इस शहर में जो बगैर किसी नोटिसस के इंडस्ट्रीज को डिमोलिशन करने का कॉर्पोरेशन की तरफ से जो किया गया ज्यादती, उसे रोकने का काम हो, जब जब इंडस्ट्रीज के लोगों पे कोई भी परेशानी आई और एसोसिएशन ने हमें याद किया, हमने वहां पे अपनी भूमिका निभाई है। क्योंकि इंडस्ट्रीज के माध्यम से ही रोजगार उपलब्ध होता है, इंडस्ट्रीज के माध्यम से ही देश प्रगति करता है। आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर इनटू प्रोडक्शन, एंड एवरी प्रोडक्शन डेफिनेटली बिल्ड्स अ कंट्री, एवरी प्रोडक्शन डज गिव्स लाइवलीहुड एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज टू मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो आपका हाथ हमेशा देश को बनाने में इंडस्ट्रीज का लगा रहता है। अब अगर मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात कहूं तो आजकल लोगों को ऐसा है कि कांग्रेस की बात कहेंगे तो लोग देशद्रोही का भी नारा लगा देते हैं हमारे पीछे, अच्छे दिन की बात कहेंगे तो लोग हम बोलते 70 साल में आपने क्या किया, ये से भी तानाकशी का काम चलता है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, लोगों को बर्बाद होने के बाद ही पता लगता है। मगर साथ ही में यह हकीकत है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश को आयात की जरूरत नहीं है, आयात कीजिए मगर टेक्नोलॉजी को कीजिए। और पंडित नेहरू जी ने इस देश की जो मंदिरें बनाई, मस्जिदें बनाई, वो डैम्स बनाए, पावर प्लांट्स बनाए और इंडस्ट्रीज बनाए। गांधी जी ने जो दिशा दी थी कि हमको टेक्नोलॉजी अपनी तैयार करनी चाहिए, आज अगर आप उस बात को उठा करके देखेंगे तो 70 साल के बाद ये बात सच हो रही है कि अगर हम टेक्नोलॉजी में और प्रगति किए होते, मैं ये नहीं कहता कि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ या इस बात को उस बात से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इन जनरल मैं आपको एक परसेप्शन या जो एक पिक्चर तैयार हुआ उसके बता रहा हूं। अगर हमने उस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया होता तो आज पूरी दुनिया पे चाइना का राज नहीं हुआ होता। आज हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए, ये बात आपको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को निग्लेक्ट किया है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बड़ी इंडस्ट्री बड़ी होती चली गई और छोटी इंडस्ट्री नष्ट होती चली गई। आज चाइना जो सुपर पावर दुनिया में बन गया है, उसकी वजह यही है, जो जो मुल्कों ने, जिस कंट्रीज ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खत्म किया, वहां पे इंडस्ट्रीज पूरी खत्म हो गई और वो देश, वो मुल्क दूसरे मुल्कों पे निर्भर हो गए।
और आप जब टेक्नोलॉजी के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए और सेमी प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल के लिए अगर आप निर्भर हो जाते हैं आप अपनी प्रगति रोक देते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हालात कुछ अच्छी नहीं है और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ पिछले 5 साल में हुआ है। कोई भी इमारत गिरते 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 गिरती अगर आपने उसको डैमेज कंट्रोल नहीं किया, उसकी रिपेयरिंग नहीं की, मरम्मत नहीं की, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट बिल्डिंग कोलैप्सेस, इट बिकम्स डिलिबरेटेड बिल्डिंग एंड देन इट फाइनली कोलैप्सेस एंड देन व्हेन डेफिनेटली व्हेन इट कोलैप्सेस देन देयर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी नंबर ऑफ लाइव्स टू बी लॉस्ट। सो दिस इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज लॉस्ट लॉट ऑफ लाइव्स इन टर्म्स ऑफ शटडाउन्स एंड क्लोजर्स। डेफिनेटली इकोनॉमिकल जो फेज से हम गुजर रहे हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज है। आप क्योंकि व्यापारी हो तो आप इस बात को भली भांति जानते हो कि अगर कारोबार में साल दो साल नुकसान अगर होता है तो तीसरे साल फायदा हो नहीं सकता। फायदे को लॉस को रिकवर करने को अगले 2-3 साल मिनिमम कारोबार में लगते हैं। तो ये तो मुल्क की बात है कि जहां पे जीडीपी जबरदस्त गिरी है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हकीकत के आंकड़े आपके हमारे सामने आते नहीं है, जो बातें चलती है और किस तरह से फिनांस मिनिस्टर स्टेटमेंट्स देते हैं बहुत ही हास्यास्पद भी कभी कभी लगता है कि किस तरह से इतने लाइट मूड में देश की इकोनॉमी के ताल्लुक से ये सोच सकते हैं। क्योंकि इसका इंपैक्ट, मैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डाइस पे इसलिए कह रहा हूं कि इसका इंपैक्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे तो जब होगा तब होगा, वो जब हजारों लाखों करोड़ों के अंदर एनपीएस में जाएंगे, मगर आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे तो इसपे तुरंत इंपैक्ट आता है, तुरंत इंपैक्ट आता है। बैंक आपको कर्जा देना बंद कर देती है, छोटे व्यापारी एक दूसरे को लेंडिंग बंद कर देते हैं, उधारी का जो हमारा चलता है भाई 60 दिन में 30 दिन में 90 दिन में उसमें जो है तफावत आ जाती है। लोग कहते हैं भैया पहले 50% एडवांसेस दीजिए। तो ऑल दिस थिंग्स इंपैक्ट्स फाइनली द बिजनेस एंड फाइनली इट गोज डाउन टुवर्ड्स अ शटडाउन एंड क्लोजर्स एंड रिड्यूसिंग मैन पावर। आप जब मैन पावर रिड्यूस करते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो तुरंत किसी का 25 लाख का साल महीने का बिजनेस है उसका सीधा 15 लाख पे आ गया, तो मैन पावर के 1.5-2 लाख रुपए खर्चे आप कहां से करोगे, पावर एंड फ्यूल का खर्चा आप कहां से करोगे। तो आप आदमी कम करते हो, आदमी कम आपने किया इमीडिएटली बेरोजगारी बढ़ जाती है। और ये वो बेचारे कर्मचारी होते हैं कि जो बहुत ज्यादा कोई मल्टीनेशनल में कभी काम नहीं किया होता, ये सालों साल से आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपके पास एक छोटा फोरमैन करके ज्वाइंट हुए होते हैं और वही बेचारा जो है बड़ा इंजीनियर बन जाता है, सुपरवाइजर बन जाता है, मैनेजर बन जाता है, और जब उसकी नौकरी जाती है तो उसके पीछे उसका पूरा घर परिवार परेशानी में तकलीफ में आता है। तो कहने की तात्पर्य मेरा ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, आपकी इंडस्ट्री का जो किरदार है इस देश की बिल्डिंग में वो बहुत बड़ा किरदार है। और इसीलिए अगर आप ये अगर ये कहते हैं कि हमको हमारे वोट का पता नहीं, हम कोई भूमिका नहीं लेते, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपको आपका किरदार ही नहीं समझ में आया कि इस देश के राइटर डायरेक्टर एक्टर स्क्रिप्ट राइटर आप हैं, आपको लगता कोई और है, ये बिल्कुल नहीं है। अगर छोटी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स बनाना, बाय प्रोडक्ट्स बनाना, आउटसोर्स का काम लेना, लेबर जॉब लेना अगर आप बंद कर देंगे तो बड़ी इंडस्ट्रीज चल नहीं सकती है, चाहे महिंद्रा हो के टाटा हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने अगर जॉब वॉक करना बंद कर दिया तो बड़ी इंडस्ट्रीज चल नहीं सकती है। तो आपका अधिकार, आपका पावर, ये आपको समझना जरूरी है और उसके लिए आत्मचिंतन आपको इंडिविजुअल करना जरूरी है। हम सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में थे, हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद हम तुरंत ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में 91 के बाद हम कैपिटलिज्म की तरफ चले गए और कैपिटलिज्म की तरफ जाने के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं था। अब जब कैपिटलिज्म की तरफ आप चले गए हैं तो उसके साथ में डेफिनेटली आप अगर तरक्की लाते हो तो साथ में कई इश्यूज भी आपके साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ में सबसे बड़ा इश्यू जो जड़ा वो था इलिटरेसी, अनस्किल्ड लेबर, ट्रेन लेबर्स की कमी, जो आज भी पूरा करने के लिए हमको पता नहीं और कितने साल लगेंगे। और इसके अंदर फिर यही होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और मल्टीनेशनल्स अपना किरदार निभाती है और वो पैसे बनाती है।
स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है पैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन छोटी इंडस्ट्री वाला ना इसका कोई स्टॉक मार्केट होता है ना स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है कंपनी। ये तो जो सवेरे से शाम तक आप मेहनत करते हो, प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, रॉ मटेरियल करते हो, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, उसी पे सब कुछ आपका निर्भर होता है। मगर कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है, मैं छोटा था जब मेरी भी छोटी इंडस्ट्री थी, मैं तो छोटा था, हमारे फादर की थी, कास्ट आयरन हम बनाते थे, आप और हम जहां बैठे यहां से 500 मीटर दूर हो रही, तो इंडस्ट्री को बहुत ही नजदीक से हमने देखा है। और नया ये पूरा मीरा भयंदर के अंदर की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MIDC, आपके ठाणे की MIDC हो, क्या न्यू बॉम्बे की MIDC हो, या नासिक की MIDC हो, नासिक मेरा अक्सर आना जाना रहता है, तो इंडस्ट्रीज के साथ बड़ा ही नजदीक का संबंध रहा है, इसलिए बहुत सारी बातें जो है बारकियां मैं इसकी जानता हूं। आप ये एसोसिएशन है पूरे महाराष्ट्र भर में, जहां जहां इंडस्ट्रीज है वहां वहां एसोसिएशन है, इसका आपका फेडरेशन भी शायद होगा, मगर आवाज नहीं आती। एक मुहावरा है, आवाज दो कहां हूं या आवाज दो हम यहां हैं, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा मोहन साहब तब जाकर के, वरना ये अगर आप ये कहोगे कि हम एसोसिएशन हैं, हम कॉर्पस फंड जमा करते हैं, अरे स्टेट से ज्यादा पैसा कौन जमा कर सकता है, जो जिम्मेदारी स्टेट की है सरकार की है वो पब्लिक क्यों उठाए। आपने बहुत अच्छा कहा कि गवर्नमेंट हमारी पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर है, जो साइलेंट पार्टनर है तो नुकसान में उसका भी भाग होता है, तो आपने उसको नुकसान में तेरा भाग नहीं, नुकसान में भी मैं भागीदार बनूंगा, ये जो आपकी भूमिका है इससे मैं सहमत नहीं। आपने वहां भूमिका रखनी चाहिए कि 50,000 की जो मदद है ये सही नहीं है, कम है, आपको इसका असेसमेंट करना चाहिए, और जिसका जितना नुकसान हुआ है उतनी मदद सरकार ने करनी चाहिए, और ये आवाज पूरे स्टेट से निकलनी चाहिए। आपने इसके लिए सबको लिखना चाहिए, आपके इश्यूज को एसोसिएशन को संगठित करना चाहिए, और ये आवाज को जब तक कि आप अपनी आवाज को ताकत से नहीं बोलोगे, अगर डर के रहोगे तो अंग्रेज भी इस मुल्क से कभी गए नहीं होते, अगर गांधी जी डर गए होते, गांधी जी अगर डर गए होते तो इस देश को आजादी नहीं मिली होती। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कीजिए, मैं कहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद और अपनी बातों को ताकत से रखिए, क्योंकि आपके इंडस्ट्रीज के साथ गरीब वर्कर और उसका परिवार जुड़ा है। अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे कि आपकी इंडस्ट्रीज को कुछ कम ज्यादा होता है, तो उसके पीछे 5, 25, 50, 100, 200 परिवार का नुकसान होता है। तो आपको सिर्फ अपने इंडस्ट्री का नहीं, खुद का नहीं सोचना है, तो जो परिवार आपके वहां काम करते हैं उनके ताल्लुक से भी सोचना है। मैं इंडस्ट्रीज के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को सम्मान किया। डेफिनेटली हमारी कनिका ताई जो है उसमें एक उनका भी यहाँ सम्मान किया गया, बाकियों का भी यहाँ सम्मान किया गया, उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।